बड़ी खबर सीहोर से मिल रही है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। सीहोर में एक यात्री बस खाई में गिर गई है। खबर मिल रही है इस यात्री बस में कई यात्री सवार थे, 40 यात्रियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। सभी यात्रियों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। ये बस भोपाल से रेहटी जा रही थी और दुर्घटना हो गई, हादसे का शिकार हो गई। देलावड़ी घाट के पास ये हादसा हुआ। इस बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहा, यह अभी पता नहीं चल पाया। ये तस्वीरें आप देखिए, बस जिसमें नजर आ रही है और बस पूरी तरह पलट गई है। कवि छोकर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ खबर पर। कवि, कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति है अभी घायलों की, क्या अपडेट? देखिए, ये जो बस थी ये भोपाल से रेहटी की तरफ ये बस जा रही थी। गुप्ता ट्रेवल्स की ये बस है। अनियंत्रित होकर ये बस जो है खाई में जा गिरी। इसमें करीबन 50 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से 40 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी लोगों को इस समय रेहटी के अस्पताल में भर्ती किया गया और सभी का उपचार वहां पर जारी है। जी, अभी फिलहाल घायलों को लेकर कुछ अपडेट, जो संख्या बताई जा रही है 50 से ज्यादा यात्री घायल थे, कुछ कारण पता चल पाया, ये हादसा कैसे हुआ और सभी घायलों की स्थिति अभी कैसी है? देखिए, ये हादसा है जो तेज रफ्तार बस जो थी अनियंत्रित होकर ये खाई में जा गिरी। बस ने करीबन 4 पलटी खाई है, जिसमें 40 अधिक लोग जो है गंभीर रूप से घायल है। इसका सभी का उपचार जो है रेहटी के अस्पताल में चल रहा है, पर हमारी जो अधिकारियों से बात है उसके मुताबिक जो है कि उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो सकता है, कि इन कुछ लोगों को भोपाल रेफर किया जाए। जी चलिए, ये अच्छी बात है कभी की इस खाई की गहराई ज्यादा नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन अपडेट ये मिल रहा है इस खबर पर, 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और जो बस खाई में गिरी है उस खाई की गहराई ज्यादा नहीं थी, 4 से 5 फीट सड़क से नीचे खाई में ये बस गिर गई। और देखिए बस गिरने के बाद किस तरह से पलट गई, अब अंदाजा लगाइए आप, अगर इस खाई की गहराई, इसकी डेप्थ ज्यादा होती तो कितना भयावह, कितना बड़ा हादसा होता। हालांकि जानकारी यह भी मिली है, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, इस बस की रफ्तार तेज थी, अनियंत्रित हुई, बस का बैलेंस बिगड़ा और इस कारण ये हादसा हुआ। ड्राइवर ने हर संभव कोशिश की बस को नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन बैलेंस बिगड़ा जिस कारण ये हादसा हुआ, बस पूरी तरह से पलट गई।